काल से देश में आर्थिक मंदी का माहौल है। समय पर सही प्रबंधन और ठोस कदम नहीं उठाए जाने से कई राज्यों में स्थितियां विकट हैं। आर्थिक ढांचे पर कई राज्य पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर दिख रहे हैं। गरीब और किसान तबके में बहुत जगहों पर निराशा और हताशा है, लेकिन इन सबके बीच छत्तीसगढ़ की बात करें तो संकट के बावजूद यहाँ हालात भयावह नहीं है। घनघोर निराशा या हताशा का माहौल नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने आर्थिक ढांचे के उन मोर्चों पर दूरगामी परिणाममूलक काम किया जिसकी जरूरत शायद आज केंद्र को सबसे ज्यादा है। देखिए किस तरह से अनलॉक में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। अनलॉक एक और दो के बाद अब बाजार खुल गए हैं। धीरे धीरे देश में अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। भूपेश सरकार की ओर से किए गए सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है कि आज राज्य में जीएसटी, ऑटोमोबाइल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी देखी जा रही है। राज्य में जीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में जहां 22% अधिक बढ़ा है, वहीं वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मई माह की तुलना में जून माह में 3.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और वनवासियों को राहत पहुंचाने के लिए वनोपजों के संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। इन क्षेत्रों में बेहतर कार्यों के साथ देश में नंबर वन है भूपेश सरकार। लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जीएसटी में हुआ इजाफा। पिछले साल जून महीने के मुकाबले इस साल जून में 22% ज्यादा जीएसटी का संग्रहण। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बेहतर कारोबार देखने को मिला है। जून 2020 में जयपुर के बाद रायपुर में सर्वाधिक कार और बाइक की बिक्री हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में देश में शीर्ष स्थान पर छत्तीसगढ़ है। राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए वनोपजों की संख्या 7 से बढ़कर 31 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लघु वनोपजों के संग्रहण में देश में पहले नंबर पर है। सीएमआईई के सर्वेक्षण में प्रदेश में बेरोजगारी की दर अप्रैल माह में 3.4% रही, जो पिछले 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे संबंधित कार्यों में बड़ी तेजी को सराहा। जब पैसा लोगों के बीच में जाएगा तभी तो बाजार में रौनक रहेगी, और 22% जीएसटी का आप इजाफा मान रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में इसीलिए है। अभी हमने बहुत सारे अखबारों में पढ़ा है कि मोटरसाइकिल का मार्केट, ऑटोमोबाइल का मार्केट काफी काफी बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कृषि के क्षेत्र में किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में मैंने पिछले साल की तुलना में ट्रैक्टर की खरीदी बढ़ गई है। इसका सीधा लाभ किसानों को जो पैसे जा रहा है, तब तो बाजार में फ्लो हुआ उसका, उसके कारण से निश्चित रूप से केवल जीएसटी के बढ़ना नहीं, छत्तीसगढ़ के मार्केट में जिस तरीके से आप रौनक देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण सरकार की योजनाएं हैं। भूपेश सरकार ने जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच कार्य योजना का क्रियान्वयन किया है वह अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल की तरह है। तभी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं अभी तो पुराने गड्ढे भरे हैं, फिर इन्हीं पर सड़क बनाना है, बस मेहनत करते चले जाना है, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ कर बनाना है। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो धार के धर्मपुरी में अच्छी बात